खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हरियाणा के फरीदाबाद में थाने के अंदर एक महिला की पिटाई के मामले में पुलिस ने दो पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी तीन पुलिस वालों की तलाश हो रही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में आदर्श नगर थाना इलाके में एक महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो आप देख सकते हैं, इस वीडियो में पांच पुलिस वाले महिला की बेल्ट से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि महिला किसी के साथ पार्क में बैठी थी और इसी से भड़के पुलिस वालों ने इस महिला की पिटाई कर दी। वीडियो में पुलिस वाले बात करते हुए हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अक्टूबर 2018 का बताया जा रहा है। महिला की पिटाई के मामले में पांच पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। कल एक के वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे और वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचा। तो ये वीडियो अब श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री संजय कुमार जी हैं, उन तक पहुंचा। उन्होंने वीडियो पर देखकर संज्ञान लेते हुए एफआईआर करने की तुरंत निर्देश दिए और उसके तुरंत बाद आरोपी जो पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, जो महिला के साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके तुरंत बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। उसमें तीन एसपीओज हैं जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर भर्ती किए गए थे, उनको सेवा से निकाल दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, जिसमें से दो एसपीओज को हमने कल ही अरेस्ट कर लिया था। ये एक पब्लिक कॉल मिली थी कि पार्क में एक महिला और एक युवक कुछ गलत कार्य कर रहे थे, जिस पर वो वहाँ पर गए थे। वो युवक वहाँ से भाग गया था, फरार हो गया था। ये पुलिस वाले इसको लेके आए थे तो इन्होंने वहीं पे उस महिला के जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे उनको महिला पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, महिला पुलिस को वहाँ पे कॉल करके बुलाना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद अगर वो वहाँ से थाने तक ले आए तो वहाँ पे महिला पुलिस को बुला लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाया। और उसके बाद इन्होंने जो पूछताछ के नाम पे जो मारपीट किया, ये सरासर अशोभनीय है, ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। इससे पुलिस का जो छवि है इन लोगों ने धूमिल करी है और इसीलिए इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। और महिला के साथ मारपीट और उसकी इज्जत को जो ठेस पहुंचाई है, उस संबंध से रेलिवेंट हमने सेक्शन से लगाई है। हरियाणा के फरीदाबाद में तमाम नियम कानून की धज्जियां उड़ाता हुआ इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जहां पर कुछ पुलिसकर्मी एक महिला से पूछताछ करते हुए उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा वाक्या है, जिस सिटी पार्क में हम इस समय मौजूद हैं, बताया ये जा रहा है कि पुलिस को यहीं पर ये सूचना मिली थी कि एक महिला और एक पुरुष इस पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ गलत हरकतें कर रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची और उसके बाद का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि दरअसल ये वीडियो जो है वो अक्टूबर 2018 का है और उस दौरान वीडियो में जो लोग, जिनमें एक शख्स महिला को बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक हेड कांस्टेबल रोहित के रूप में जिसकी पहचान हुई है, इसके साथ ही एक और हेड कांस्टेबल जो पुलिस की वर्दी में इस वीडियो में मौजूद है और इसके अलावा तीन स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो कि फरीदाबाद पुलिस में ही जिनकी तैनाती है, इन पांचों पर ही ये आरोप लगा है। जब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद फौरन फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और अभी तक दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा दो हेड कांस्टेबल और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर की तलाश अभी जारी है। वीडियो कहाँ बनाया गया है, इस बात की भी पुलिस जाँच कर रही है। कुछ लोगों का ये अंदेशा जरूर है कि ये वीडियो जो है वो पार्क का ही हो सकता है, हालांकि पुलिस पुख्ता तौर पर अभी इस बात की जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया और तीन की अभी भी तलाश जारी है। साथ ही साथ पुलिस उस महिला को भी तलाश रही है जो कि वीडियो में नजर आ रही है और इस मामले में पीड़ित है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि महिला की पहचान होते ही उसके भी बयान दर्ज किए जाएंगे, जो इस मामले में अहम सबूत भी पुलिस के पास होंगे। हालांकि जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि किस तरह से आम लोग जो पुलिस के पास अपनी मदद के लिए जाते हैं या जिस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए, और ऐसे में पूछताछ के बहाने किसी महिला के साथ इस तरह का व्यवहार कहाँ तक जस्टिफाइड है, ये तमाम वो सवाल हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल कि अगर किसी महिला के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, रात के अंधेरे में उससे पूछताछ की जा रही है, तो वहाँ पर कोई महिला पुलिस उस समय मौजूद क्यों नहीं थी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। हालाँकि फरीदाबाद पुलिस की ओर से इस पूरी घटना की निंदा की गई है और फरीदाबाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जाँच शुरू कर दी है।
कैमरा पर्सन संजीव कापड़ी के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, फरीदाबाद। तो इस मामले में जो एक्शन हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। दो पुलिस वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं लेकिन बाकी तीन की तलाश अब भी जारी है। ये वीडियो अक्टूबर 2018 का बताया जा रहा है। बेरहमी से बेल्ट से इस महिला की पिटाई की गई, मामूली सी बात पर इसकी पिटाई की गई और अब भी तीन पुलिस वालों की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हुई है। इस खबर पर जैसे ही कोई अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।